सनन इब्न माजा नंबर 4168 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अहम बातों की नसीहत फरमाई। पहला ये कि मजबूत मोमन अल्लाह ताला के नजदीक कमजोर मोमन से ज्यादा महबूब है। ये लाजमी तौर पर जिस्मानी ताकत का हवाला नहीं देता है जिसका इस्तेमाल आमाल सालिहा के लिए करता है, लेकिन इससे मुराद इल्म और इस पर अमल करना भी है। जब कोई अपने इल्म पर अमल करता है तो इससे यकीन का यकीन पैदा होता है। जिसका ईमान पुख्ता हो वो अपने इल्म के मुताबिक अपने फराइज अदा करेगा और कमजोर मोमन की तरह अंधी तकलीद नहीं करेगा। एक कमजोर मोमन सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर किसी चीज पर यकीन करता है, जैसे कि इसे बताया गया कि कोई शख्स इनके घर के अंदर है, जबकि मजबूत मोमन यकीन रखता है और इल्म की बुनियाद पर अमल करता है। मिसाल के तौर पर अगर वो अपने घर के अंदर मौजूद शख्स को खिड़की से देखे, जिसका ईमान जितना मजबूत होता है अल्लाह ताला की इसके अहकाम की तमील, इसकी ममानतों से परहेज और सबर के साथ तकदीर का सामना करने की सूरत में इनकी अतात इतनी ही ज्यादा होती है। इसके नतीजे में दोनों जहानों में इनकी कामयाबी में इजाफा होता है। बाब 41 आयत 53। हम अन करीब उनको अतराफ आलम में भी और खुद उनकी जात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। अगली बात जो ज़ेर बहस मरकजी हदीस में मज़कूर है वो ये है कि इंसान को चाहिए कि वो इन चीजों को हासिल करने की कोशिश करे जो इसे फायदा पहुँचाती है बगैर तरक्की है। इसका मतलब है कि इन्हें इस्लाम की तरफ से मुकर्रर करदा हलाल तरीके से दोनों जहानों में अपने लिए भलाई हासिल करने के लिए सरगर्मी से कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में हकीकी फायदा हमेशा आखिरत में फायदा देगा, अगर नहीं होता तो ये हकीकी फायदा नहीं है। किसी को ससत नहीं होना चाहे और अच्छी चीजों की बेसाख्ता तवक्को रखना चाहे, क्योंकि ये ख्वाहिशमंद सोच है। इन्हें चाहिए कि वो अपनी नेमतों का इस्तेमाल भलाई के लिए करें और फिर अल्लाह ताला की रहमत से अच्छे नतायज की उम्मीद रखें। सेर बहस मरकजी हदीस का आखिरी हिस्सा मुसलमानों को नसीहत करता है कि तकदीर पर सवाल ना उठाएं, क्योंकि इससे शैतान का दरवाजा खुल जाता है। वो मुसलमानों को अल्लाह ताला के इंतखाब को चैलेंज करने की तरगीब देता है, क्योंकि वो अपनी कमनजरी की वजह से इसके पीछे मौजूद हिकमत को नहीं देखते। ये बदले में बेसब्री और सवाब के नुकसान का बायस बनता है। किसी को अपने माजी के तजुर्बात पर गौर करना चाहे, जहां वो समझते थे कि कोई चीज अच्छी थी जब वो हकीकत में बुरी थी, और इसके बरअक्स ताकि इन्हें सबर करने की तरकीब मिले, क्योंकि इन्हें जल्दी या बदीर ये फवायद दिखाए जाएंगे। बाब 2 आयत 216। मगर अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मुजिर हो, और इन बातों को खुदा ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते।